जी ध्रुव ने देखा कि थपकी का एक्सीडेंट हो गया है एंड ऑफ कोर्स जैसे कि आप सब जानते हैं कि ध्रुव सिर्फ और सिर्फ थपकी से प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा, तो घबरा जाता है कि अगर थपकी ना उठ नहीं उठी तो उसका क्या होगा, क्योंकि वैसे भी उसकी ज़िंदगी में अब और कुछ बचा नहीं है, सिर्फ थपकी है जिसकी वजह से वो ज़िंदा है, चाहे वो बिहान के साथ है फिर भी, तो बस वो बहुत घबरा जाता है और इसी चक्कर में वो सब सच सच बोल देता है दैट मैं तुम सभी भी बहुत प्यार करता हूँ एंड एक्सेट्रा, एंड ये चीज़ बिहान सुन लेता है, लेकिन क्योंकि वो जानता है कि बिहान इस थपकी का भी पति है तो वो छोड़ के उसको कहता है हॉस्पिटल लेके जाओ, क्योंकि उसे ये भी पता है कि थपकी ध्रुव के साथ नहीं जाएगी हॉस्पिटल। सब देखते हैं आगे क्या होगा। बेसिकली एक्सीडेंट हो गया है और ध्रुव सर मुझे बचाने आया है, मुझे नहीं पता है अभी तक कि मेरा मुझे जिसने बचाया वो ध्रुव सर हैं, जो मुझे कार से लेके आया वो ध्रुव सर ने लेके आया अपनी गोद में उठा के, एंड अब लेट्स सी मुझे होश आता है तो क्या सच्चाई मेरे सामने आती है कि वाकई में मुझे पता चलता है कि ध्रुव सर ने मेरी जान बचाई एंड आज भी वो मुझसे प्यार करते हैं एंड ही इज़ वेटिंग फॉर मी, या मुझे कुछ और पता चलता है। अभी अंदर गए नहीं है घर के तो कांड से, हाँ बिल्कुल, बिकॉज मैंने उनसे बोला है कि मुझे बहुत सारी शिकायतें हैं उनसे कि आपकी वजह से ये सब हुआ है, मैं ये मानती हूँ मेरी शादी भी आंसर हुई है कहीं ना कहीं आपकी वजह से, आपका फॉल्ट है इसमें, बिकॉज मुझे अभी तक नहीं पता है कि ध्रुव सर के सर पर डंडा मारा गया था और ऐसे ज़बरदस्ती शादी की गई थी, मुझे यही लगता है कि इन्होंने मुझसे शादी नहीं की और ये सब इनकी वजह से हुआ है।